खबर है जयपुर से। देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अश्लीलता में फंसाकर ब्लैकमेलिंग करने वाली गिरोह सक्रिय हुई है। ये गिरोह ज्यादातर पैसे वाले लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। इसी तरह से एक मामला और सामने आया है, इसमें राजस्थान में जयपुर के करौली में कोतवाली में बीते दिन एक शख्स ने हनी ट्रैप की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पर जांच करते हुए पुलिस ने हनी ट्रैप का मामला उजागर किया है। लोगों के साथ अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें जाल में फंसाकर 10 लाख रुपए मांगने वाली मामी और उसकी भांजी के साथ दो पुरुषों को गिरफ्तार किया है। दोनों मामी भांजी अपने ज्यादातर पैसे वाले लोगों को ब्लैकमेल करती है। इनके शिकार में बड़े बर्तन, टेंट, कपड़े के व्यापारी भी शामिल है। एसपी मृदुल कच्छावा ने मीडिया से बताया कि 11 जुलाई को करौली साईनाथ खिड़किया निवासी युवक ने कोतवाली थाने में एक शख्स ने प्रकाश मीना, रमू मीना तथा दो महिलाओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। हनी ट्रैप में फंसाकर वीडियो वायरल करने व बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराने की धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप था। जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रकाश मीना, रमू लाल, उसकी पुत्री एवं साले की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के मुख्य सरगना प्रकाश मीना व मुख्य सहयोगी महिला से पूछताछ हुई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि चारों की फिल्मी दुनिया की तरह शानो शौकत में जीने की इच्छा थी, लेकिन उनके पास कोई नौकरी नहीं होने के कारण शौक पूरे नहीं हो रहे थे। शौक पूरा करने के लिए अमीर लोगों को फंसाकर हनी ट्रैप का षड्यंत्र रचने लगे। बीते दिनों इन्होंने एक अमीर को शिकार में फंसाकर उससे रुपये मांगे, उसने शिकायत कर दी। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों द्वारा बताए गए स्थान पर पैसे देने के लिए भेजा, वहीं से सभी पकड़े गए। जांच में पता चला कि प्रकाश पहले अमीर शख्सों को ढूंढता था, इसके बाद उसकी दुकान पर महिला सज सवर कर जाती और किसी बहाने मीठी मीठी बात करके दुकानदार को अपना मोबाइल नंबर दे आती। फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू होकर मुलाकात में बदल जाता। बात आगे बढ़ते बढ़ते शरीर तक पहुंचती। इससे महिला संबंधित व्यक्ति के साथ अश्लील वीडियो बनाती। उसके बाद चारों लोग वीडियो वायरल करने की बात कहकर पीड़ित को धमकाते और पैसे मांगते थे।